नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 3 साल से केड़कर हॉस्पिटल में एज ए साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे वीडियोस के द्वारा मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ साइकेट्री की बीमारियों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं वही कंटिन्यू करूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जब किसी को होती है तो उसके पहले कुछ प्री मॉर्बिड साइंस एंड सिम्टम्स हमको दिखते हैं। जैसे जो व्यक्ति जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होने वाला है वो व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़पना करने लगता है, अपने काम काज पर ध्यान देता नहीं, जो काम डिसाइड किया है वो करता नहीं है, गुस्सा करने लगता है, उसका फंक्शनिंग खराब हो जाता है, रात को बराबर सोता नहीं है, खाना खाता नहीं है, दिन रात अकेले बैठे रहता है, अकेले रहना पसंद आता है, सोशल लाइफ एकदम कम हो जाती है। अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स को हम जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम स्किज़ोफ्रेनिया होने से पेशेंट को बचा सकते हैं। अभी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया में कोई भी पेशेंट का जजमेंट खराब हो जाता है। जजमेंट मतलब उसको ये ध्यान में नहीं आता कि रियलिटी क्या है और अनरियल वर्ल्ड क्या है, उसको लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया में जो हमें दिखता है वो है इररिलेवेंट टॉकिंग, मतलब पेशेंट बड़बड़ करने लगता है, फिजूल की चीज़ें बड़बड़ाता है, खुद से ही बात करने लगता है या दीवार के तरफ देख के बात करने लगता है या इशारे करने लगता है अलग अलग प्रकार के। जब बाहर से देखा तो ऐसा लगता है कि ये किसी से बात कर रहा है पर अंदर में असलियत में वो खुद से ही बड़बड़ाता है। शायद इसका कारण ये है कि उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मतलब कान में आवाज़ आना। कुछ ऐसे मैकेनिज्म ब्रेन में होते हैं जिसके वजह से जो व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है वो व्यक्ति को ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब कान में आवाज़ आने लगते हैं। पेशेंट को ये लगने लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, लोग या पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मेरे अंदर कुछ न कुछ कोई मैसेज डाल रहे हैं या मेरे अंदर जो मैसेज है वो निकाल रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के वहम पेशेंट को होने लगते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स देखे हैं जिनको अलग अलग प्रकार के वहम होते हैं। उनको लगने लगता है कि लोग मेरे पीछे हैं, लोग मेरे पीछे मुझे मार डालेंगे, मेरी हत्या कर डालेंगे, मेरे बीवी का कोई अफेयर चल रहा है, मेरे अंदर जो जानकारी है वो पूरी दुनिया को मालूम पड़ रही है, ऐसे अलग अलग प्रकार के वहम वो पेशेंट को लगते हैं। मगर जब हम रियलिटी चेकिंग करते हैं, जब हम उनके फैमिली मेम्बर्स को पूछते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि ये सब वहम है। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि जो फंक्शनिंग है पेशेंट का वो खराब हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा था वो काम करना बंद कर देता है, सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, लोगों से बातचीत नहीं करता, घूमने फिरने जाता नहीं, अपने काम से काम रखता है, देर रात तक टाइम पास करते रहता है, उसको नींद नहीं आती, बेचैनी होने लगती है, पेशेंट को लगने लगता है कि मैं मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, ऐसे विविध प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। पेशेंट का बिहेवियर खराब होने लगता है। बिहेवियर मतलब जो व्यक्ति अच्छे से बर्ताव करता है सबसे वो खराब बर्ताव करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मारामारी करने लगता है, पेशेंट इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव मतलब वो सडनली डिसीजन लेने लगता है। कभी कभी इम्पल्शन में आकर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश करता है, मतलब होमिसाइड या सुसाइड दोनों कर सकता है। साथ में हमें यह देखने को मिलता है कि जो पेशेंट जो पहले बहुत अच्छा था अपने काम में, उसका काम पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। पेशेंट को निगेटिव सिम्टम्स होने लगते हैं। निगेटिव सिम्टम्स भी बहुत बड़ा लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया में, जो दरअसल फिजिशियंस डायग्नोस नहीं कर पाते, पेशेंट्स या डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता कि ये लक्षण भी बीमारी के हैं। निगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट एकदम चुप बैठ जाता है, पेशेंट किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है और सोशली आइसोलेटेड हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया कि पेशेंट का जजमेंट खराब हो जाता है। जजमेंट मतलब लोगों से बातचीत कैसे करना, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना, ये पेशेंट पूरी तरह भूल जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण हमें स्किज़ोफ्रेनिया में दिखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया जिस व्यक्ति को हो गया उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ भी साथ में होने लगती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ हमें बाकी के बीमारियाँ भी डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस,
ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेशेंट घूमना फिरना बंद कर देता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब एक जगह पे बैठने लगता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां स्किजोफ्रेनिया में पेशेंट को होती है। स्किजोफ्रेनिया में फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किजोफ्रेनिया में फिजिकल अपीयरेंस खराब होने लगता है, पेशेंट दाढ़ी नहीं करता, बाल बराबर रखता नहीं है, नहाना बंद कर देता है, सब कपड़े खराब होने लगते हैं, बाल नाखून काटता नहीं है, अनहाइजीनिक पद्धत से रहता है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल लक्षण स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट में हमको दिखते हैं। स्किजोफ्रेनिया का कोर्स क्या है और प्रोग्नोसिस क्या है? ऐसा माना जाता है कि एक बार स्किजोफ्रेनिया किसी को हो गया तो वो लंबी समय तक चलते रहता है। ऐसा बोला जाता है कि स्किजोफ्रेनिया ये मन का कैंसर है, मतलब स्किजोफ्रेनिया अगर हो गया तो वो एकदम ही चिकट बीमारी है जिसको जाने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, मगर हमने ये समझना जरूरी है कि स्किजोफ्रेनिया को पूरी तरह ठीक होने में टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं हमारे जो रेगुलरली सालों साल 10 साल 15 साल से दवाई ले रहे हैं और जो फिट है, फाइन है, वर्किंग है, काम धंधा कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि स्किजोफ्रेनिया की जो दवाई है वो बहुत साल तक लेनी है। इसमें ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को उतनी समझ ना हो, पेशेंट दवाई लेने से झिझक है, लेकिन रिलेटिव्स को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्किजोफ्रेनिया का जो बीमारी है वो लंबी चलती है और उसमें दवाई लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बीमारी लंबी चलती है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने 3 या 4 महीने तक दवाई दिया, पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया और बाद में पेशेंट को कभी भी बीमारी हुई नहीं। इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी है, जैसे कोई बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, कोई 1 साल तक ठीक होती है, कोई सालों साल चलती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का काउंसिलिंग करना, पेशेंट्स के रिलेटिव्स का काउंसिलिंग करना और संयम रखना। मैं अगले वीडियो में आपको स्किजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में और ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जल्दी मैं बाकी के वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।